अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करूँगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी सब खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक जोड़ा है, रेड डव फीमेल है और वाइट टेल डायमंड डव है। तो फ्रेंड्स, लोग अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हम एक रेड डव लें और एक वाइट टेल लें, इन दोनों डवों का आपस में पेयर करें तो क्या हमारे पास एक रेड डव का बच्चा आएगा। दो बच्चे जैसे निकलते हैं, एक रेड डव का बच्चा और एक डायमंड डव का बच्चा आएगा या नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इससे मैंने काफ़ी ब्रीड्स ले चुका हूँ, इस तरह के मेरे पास काफ़ी सारे जोड़े लगे हुए हैं, 2 से 3 लगे हुए हैं। अगर आप मार्केट से एक वाइट टेल का डव लाते हैं और एक रेड की फीमेल लाते हैं या मेल लाते हैं और इन दोनों का आपस में पेयर कराते हैं तो रेड डव आते ही नहीं हैं। रेड डव के बच्चे जब ही आते हैं जब रेड मेल हो और रेड फीमेल हो, फिर ही रेड के बच्चे निकलते हैं। इस तरह से क्रॉस करवा के रेड के बच्चे नहीं निकलते, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नहीं निकलते। अगर किसी भाई के पास निकलते हैं या अगर किसी भाई को इसके बारे में कोई नॉलेज है तो वो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताए। असल में इस चीज़ का बहुत मसला चल रहा है और बहुत से लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं और फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि रेड डव की किस तरह से ब्रीड ली जा सके क्रॉस करवा के। तो ये बहुत इशू चल रहा है और अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज है तो वो कमेंट करे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।